वेलकम टू पाकिस्तान रिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, खुश उमंगल होंगे। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया आज खबर आ रही है। मतलब लिखा हुआ जो टाइटल आ रहा है वो है इंडिया चाइना फाइट, लैग के फॉरवर्ड इलाकों में इंडियन आर्मी का जबरदस्त एक्शन। मतलब क्या हो गया, लगता है कोई मतलब उधर फाइट हो गई या क्या हो गया? अब ये पहले वीडियो जिस तरह टाइटल से तो लग रहा है इंडिया चाइना फाइट, मतलब फॉरवर्ड इलाकों पर इंडियन आर्मी ने कोई एक्शन दिखाया एलएसी पर। तो देखते हैं भाई हुआ क्या है पहले, उसी के बाद सही से भाई सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी पता लगी। बिल्कुल, कहीं चाइना ने फिर तो पंगा नहीं ले लिया, इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की हो। अब ये वीडियो देखेंगे यार, तो भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। What you hear right now is the artillery bombardment of the enemy. Right now the time is 2000 hours at night. And enemy's artillery bombardment has started over our defenses. LSE के पास फॉरवर्ड लोकेशंस में भारत की तैयारी देख चीन की सांसें अटक जाएंगी। ये देखो फुल तैयारी करके बैठे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब। अब मुझे नहीं पता। Target picture 2101 acquired. Equipment selected. सारा समझा रहे हैं उनको, है ना? वाओ। चीन की एक चाल पर भारत की डेढ़ चाल की तैयारी देखिए। मतलब ये ड्रिल्स चल रही हैं। चल रही हैं। लेकिन बहुत कमाल, मतलब सुरंग सी बनी है, निकल के उसमें वो पीछे से एकदम हमला। अगर चीन घेरेगा तो वो खुद पिट जाएगा। पहली बार वीडियो में देख रहा हूँ मैं खुद इसी तरह के ड्रिल देख रहा हूँ पहली बार। सही कम्बैट स्टाइल है भाई। अबे तेरी खुखरी थी भाई, खुखरी। अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड लोकेशन पर भारत तक पहुंचा तो वहां भारतीय सेना की गजब की तैयारी दिखाई दी। अरुणाचल है, एलएसी अरुणाचल। दुश्मन का हमला इस वक्त हो रहा है इस एक्सरसाइज में। दुश्मन के टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं, ये धमाके की आवाज भी आई है। मतलब और इस वक्त इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी के उस हिस्से में है जहां पे हमारी आर्टिलरी फायरिंग, भारतीय सेना की आर्टिलरी फायरिंग कंट्रोल की जा रही है। हम यहाँ समझेंगे कि किस तरह से इस आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जा रहा है, इस अटैक को रिपल्स करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक खास किस्म का कंप्यूटर है जिसे हम एनहांस टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। इस कंप्यूटर के ये कंप्यूटर जो है आर्टिलरी के हर डिटैचमेंट में जो है डिप्लॉयड होता है। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो कि मैं इस कम्प्लीट लोकेलिटी के साथ डिप्लॉयड हूँ और मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एक्टिविटीज यहाँ से क्लियरली नजर आ रही है। अगर टैंक्स मूव कर रहे हैं या उनकी बिल्कुल अगर उन मेरे पास इनके साथ साथ मेरे पास ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट भी है, जैसे मैं बायनोक्युलर्स देख सकता हूं, मैं और भी जरियों से उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं। मेरे पास यहां पे इसी को लोकेटेड एक कम्युनिकेशन सेंटर है जहां से इन्फेंट्री के नुमाइंदे भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहां से टैंक्स आ रहे हैं, यहां से उनकी दुश्मन की जो है पहुंच आ रही है। उसके बाद ऐसा ही एक कंप्यूटर जो है गन्स के साथ होता है और मैं यहां से उनका अपना जो है टेक्निकल डेटा यहां से मैं वहां ट्रांसमिट करता हूं। जैसे ही वहां टेक्निकल डेटा पहुंचता है तो उसके बाद गन्स फायर करती है। सेना लगातार खुद मतलब को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रही है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला ने। एक रियल टाइम बैटलफील्ड सिनेरियो है जहां पर एनिमी के टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है और यही वॉर गेम किया जा रहा है इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। भारतीय सेना की तरफ से इस वॉर गेम में आर्टिलरी गन फायर हो रही है और साथ ही इन्फेंट्री के सोल्जर्स भी हरकत में आ गए हैं। इन्फेंट्री सोल्जर्स भी जो है अपने बंकर से निकल रहे हैं और ये भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से इस हमले को जो कि दुश्मन ने किया है एलएसी की दूसरी तरफ से उसको कैसे निपटा जाए। ये वॉरगेमिंग बहुत जरूरी है, इस तरह की ड्रिल्स बहुत जरूरी है भारतीय सेना के लिए हर समय बैटल रेडी होने के लिए। बिल्कुल,
ये मतलब एक चीन अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हथियार जुटाने तक का काम कर रहा है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत अपना पावर ड्रिल कर रहा है। चीन अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये समझ ले कि ये बस ट्रेलर है। अगर पिक्चर अभी बाकी है, फिल्म दिखाएगी तो चीन के पर्दे फट जाएंगे। अभिषेक भल्ला, अरुणाचल प्रदेश, भारत तक। मतलब इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। मतलब भाई ये इस तरह का सिनेरियो, मतलब किस तरह ड्रिल होती है ये मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी है। मतलब इंडियन आर्मी किस तरीके से मतलब फुली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कुछ जंग का सीन हुआ तो इस तरह ये कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। सच में और मतलब सारा कम्बैट भी बताया किस तरह कर रहे थे, क्या मतलब गोला बारूद सच्ची का सही हो रहा पीछे आवाज आ रही यार। मैं सच बताऊं ना, जिस तरह वो बता रहे थे कंप्यूटर है एक मतलब टैंक के अंदर लगा हुआ है एक, यहाँ से मतलब इनको पहले कमांड इनको पता चल जाता है किस जगह पे मतलब मूवमेंट हो रही है, क्या हिसाब किताब है, फिर ये दे देते हैं अपना कमांड देते हैं, कमांड देते हैं उनको टैंक फिर उधर से फायर करता है जिसको यूनिट उनको देते हैं। तो फिर इस तरह अगर रियल लाइफ बैटल हुई तो ये इस तरह का इस तरह करेंगे। और देखा था वो बंकर के नीचे मतलब वो सुरंग सी उसे आराम से निकल कर पीछे से मतलब एकदम से हमला करना, वो गिली सूट पहन के आया था ऊपर वो मतलब वो जो पत्ते पत्ते ही नहीं एकदम चुपचाप पकड़ा। और एक ने वो जो मतलब बताया खुखरी, मतलब भारतीय सैनिकों के पास खुखरी लाजमी होती है जो कि गोरखा की निशानी है, लेकिन गुर्का। अभी लगता है ये गोरखा कमांडो जी हो में भी या फिर इंडियन आर्मी ने भी खुखरी मतलब हर किसी सोल्जर का हो। असल में पता है क्या, ये तो सिर्फ चाइना को दिखाया है, मतलब इस थोड़ा सा ट्रेलर सा दिखाया है, ये ड्रिल सी दिखाई है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो छुपी चीजें हैं जिस तरीके से मतलब उनको रिस्पांस आगे करना भाई, वो तो चीज अभी और भाई नहीं है और कोई दिखाता है इस तरह। और भाई दूसरी बात कितना ठंडा इलाका था यार, और अरुणाचल प्रदेश बहुत ठंडा, अभी यहाँ पर कितनी ठंड हो गई तो खुद सोचो पहाड़ी इलाका है सारा, बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई। ये वैसी ड्रिल्स बहुत कमाल की होनी चाहिए ताकि मतलब एक हौसला भी बढ़ता रहे। और एक मतलब असल में पता है क्या, इंडिया कोई भी काम जो है ना सोच भी सोच करना पड़े, मतलब उनको पहले से इस चीज का आइडिया हो चुका है कि मतलब किस तरह का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने पहले से ही तैयारी करना पहले से तैयारी स्टार्ट, ड्रिल्स वगैरह ये जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा इंडियन आर्मी के लिए फायदा होगा। इंडियन आर्मी में एक बात बताऊं, जिस दिन भी चाइना ने गलती की ना, मैं गलती बोलूंगा, अभी दोबारा की मैं बात कर रहा हूं उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।